पंजाब सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। पंजाब सरकार की ओर से प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे और इसकी शुरुआत 15 अगस्त से की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में 75 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। इसी कड़ी में सीएम मान ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली की तर्ज पर पंजाब भर में मोहल्ला क्लिनिक बनाने जा रहे हैं, पंजाब की जनता को शानदार और मुफ्त इलाज देने का वादा पूरा करेंगे। बठिंडा के एक किसान परिवार ने भी धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को अपनी ओर से 1500 रुपए देने का ऐलान किया है। किसान परिवार की ओर से की गई सराहनीय पहल पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुशी जाहिर की है। सीएम महन ने ट्वीट कर लिखा कि बहुत खुशी हुई ये देखकर कि हमारे किसान खेती और पानी बचाने की मुहिम को जन आंदोलन बनाने में बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे हैं। इसी तरह सब मिलकर कोशिश करेंगे तो यकीन मानो कामयाबी जरूर मिलेगी। पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक के छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म देने का फैसला किया है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 92,95,00,000 रुपए की राशि जारी की है। इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 लाख छात्रों को फायदा होगा। शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीथेयर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। छात्रों को इस योजना का फायदा जल्द मिले इसके लिए अधिकारियों को जल्द से जल्द यूनिफॉर्म खरीद के निर्देश दिए गए हैं। वही पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल लुधियाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ फिशरीज का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा पशुपालन संबंधित अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को हुई सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो सम्माननीय है। श्री मुक्तसर साहिब के डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मुक्तसर के थांदेवाला रोड पर सफाई अभियान की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने लोगों को शहर में सफाई बनाए रखने का संदेश दिया। इसके साथ ही शहर में हो रही गंदगी को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को शहर में रोजाना सफाई करवाने के आदेश दिए। वहीं पंजाब में भयंकर गर्मी के चलते किसानों के नरमे की बीजी हुई फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। बठिंडा के गांव बलुआना में किसानों के खेत में खड़ी नरमे की फसल गर्मी से जलने लगी है। किसान उन्हें पानी डालकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले करीब 10 दिनों से पारा 45 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है, जिसके चलते नरमे के छोटे छोटे पौधे जो अभी खेतों में उगे थे वह बढ़ती गर्मी से जलने लगे हैं, जिससे किसानों को भारी परेशानी हो रही है।